नमस्कार, मैं अजय और आज बात करते हैं रविंद्र बापड़ा से जो निगरानी समिति के दोसाम के चेयरमैन हैं और जानते हैं उनकी अब की बार पार्टी ने लोकसभा के अंदर क्या क्या जिम्मेवारी दी है। जी रविंद्र, सबसे पहले तो आपका अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोकसभा के नाते अब तो सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियाँ पार्टी ने दी है, मेरी भी विधानसभा के नाते दुसाम विधानसभा में जो भी निगरानी समिति के संयोजक अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है, उस बात की लोकसभा में भी मेरे पास विधानसभा की जिम्मेवारी। लेकिन अब की बार रविंद्र जी दुसाम हल्के के अंदर आपने पिछली बार पिछले दिनों काफ़ी प्रयास और कयास करके रैलियाँ जो अब की बार आपने काम कार्य किया वो बड़ा आसानी रहा, वो आपने कैसे मेंटेनेंस किया? देखिए ऐसा है, मैं चाहे इस इलेक्शन की बात हो चाहे पिछले इलेक्शन की बात हो, और मेरा एक ही ध्येय रहता है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, और उसी के नाते लोगों के बीच में जब मैं रहता हूं तो कई बार बात होती है कि भाई से कोई बड़ा कार्यक्रम भी एक आयोजन किया जाए, तो उस नाते हमने पिछले साल भी कैरो के अंदर एक बड़े आयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हमारे SSC के जो सदस्य हैं श्री हर्षमोहन जी वहाँ पर मौजूद रहे और गोविंद भारद्वाज जी भी उस कार्यक्रम में रहे। और अब हमने पीछे जो कार्यक्रम अभी जिसमें जनरल माननीय जनरल डीके सिंह जी इस कार्यक्रम के चीफ मुख्य अतिथि रहे और जनरल डीके वस्ती भी इस कार्यक्रम के अंदर रहे, तो कार्यक्रम तो बीच बीच में चलते रहते हैं। तो जो नेता चंडीगढ़ रहते थे अपने विधानसभा छोड़कर वो कभी कभार दिखते थे, आजकल देखा जाता है कि वो तोसाम हल्के के अंदर ही रहते हैं, दौरे करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने नाम का खोप डाल दिया उनके मन में। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज लोकतंत्र की जो बात अगर हम करें तो जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द दिखने लगा है। मैं आप लोगों को पीछे की अगर बात करूं, जब भी मैं दौरे तो शाम विधानसभा के दौरे करता हूं तो उसके चंद दिनों के बाद ही आपके जो बड़े बड़े नेता है उन दौरों के पीछे पीछे दौरे करने लग जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं से मतलब? बड़े बड़े जो विपक्षी के नेता है, जो आज विधायक है, जो कभी मंत्री रहे, और जिन्होंने, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो सिर्फ एक चुनाव के समय में एक बार गांव के अंदर आते थे और एक बात कहकर के गांव के अंदर से चले जाते थे कि हमारी हजरी लगा लेना, और आज उन नेताओं को आप लोग देखिए कि आज वो गली गली नहीं और गांव गांव नहीं, आज वो घर घर बैठने के लिए आज मजबूर है। ये मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी की जो नीतियां हैं, जिनका प्रचार प्रसार हम अपने माध्यम से करते हैं, जो लोगों को जिनका लाभ मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि लोग आज घर घर। लेकिन विपक्ष नेता कहते हैं कि हमारे काम भाजपा ने नहीं होने दिए। विपक्ष नेता उनके काम कौन से नहीं होने दिए? तो सामने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जहां पर हमारे विधायक नहीं थे, नहीं बन पाए थे किसी कारणवश, तो वहां पर उन्होंने जैसे शुरू में जो रैली की तो उस रैली के अंदर लगभग 280 करोड़ रुपया तो शाम के अंदर देने का कार्य किया। तो मुख्यमंत्री जी का तो एक ही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और उसी के नाते बल्कि जहां पर हमारे विधायक नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं। अजय जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी हैं मुख्यमंत्री, जिन्होंने ऐसा फैसला किया कि जहां पर विपक्ष का विधायक है वहां भी हम एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपया उनके माध्यम से दें ताकि गांव के अंदर विकास की उनके माध्यम से भी विकास हो। लेकिन मैं विपक्षी नेता के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री के देने के बावजूद उन्होंने दिनोद का जो बजट दिया, पिछले साल का बजट आज इस साल के अंदर उन्होंने लगाया, हमारे गांव बापोड़ा के अंदर भी उन्होंने ये, आप चाहे उनका खोप मानिए चाहे डर मानिए, मैं कुछ भी कहूं वो आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं, बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने बापोड़ा के अंदर विकास के नाते 2 करोड़ रुपए दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, और आज 31 मार्च, आज आप मेरे पास 1 अप्रैल के अंदर बैठे हैं, उन्होंने पिछले महीने उस ग्रांट को रिलीज करवाया। इनका लक्ष्य सिर्फ रहता है कि विकास कार्य को कैसे रोका जाए। लेकिन विपक्ष नेता का मानना है कि जो काम करवाए हमने तो अपने दम पे करवाए। नहीं, उनके दम पे अगर वो काम करवाते तो आप उनके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें ना, उन्होंने तो शाम क्षेत्र के अंदर करवाया क्या है, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बना है
1 नवंबर 1966 से आप इस तोसाम विधानसभा ने इसी प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का कार्य किया, इस तोसाम विधानसभा ने इस प्रदेश को रक्षा मंत्री देने का कार्य किया, रेल मंत्री देने का कार्य किया, पर्यावरण मंत्री इसी तोसाम विधानसभा से चुनकर के जाने वाले कैंडिडेट रहे, और इन्होंने इस तोसाम विधानसभा को क्या देने का काम किया, सिर्फ और बेरोजगारी और जो युवा है उनको शिक्षा देने का कार्य। आपका कहना की जो विपक्ष नेता किरण चौधरी एमएलए विधायक उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया? नहीं देखो, मैं किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं करवाया, उन्होंने कार्य करवाए हैं, लेकिन कार्य क्या करवाए, उन कार्यों का नतीजा क्या रहा। एक जो आम जनमानस का कार्य है वो तो एक विधायक का जनरली फर्ज होता है। तो कि आप आम जन से आज जुड़े हुए हैं, तो जाके अपने लोगों की समस्या पूछते रहते हैं, दिन दिन आप दौरे कर रहे हैं, तो आम जन ने आपको क्या क्या शिकायतें बताई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, जो तोसाम का जो क्षेत्र है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की, पीने के पानी की समस्या है। और 10 साल तक जो पब्लिक हेल्थ की मिनिस्टर रही और पूरे हरियाणा की जो नेता रही, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस 10 साल के अंदर इस क्षेत्र की पानी की समस्या जो खत्म नहीं कर सकी, तो उनका विकास कार्य कहां दिखाई देंगे। हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी के दिशा के अंदर हमने बजट मांगा, उसके अंदर काफी उसके बाद कार्य हुए हैं। और एक बात आपके माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से और कह देना चाहता हूं कि मैंने निगरानी समिति के नाते काफी पंपों के ऊपर मैंने उनकी जो पब्लिक की जो डिग्गियां बनाई हुई उन्होंने, वाटर वर्क्स जो बनाए, क्योंकि उस समय जो शिकायतें थी, जब लगभग ज्यादातर वाटर वर्क्स लीकेज की परिस्थिति में। हरियाणा के सुप्रीमो भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इतने रुपए दिए तो वो रुपए लगे काम पे। तो शाम विधानसभा के अंदर आप किसी भी गांव के अंदर जाकर के देखिए, आज हमने इतनी गलियां बनवाई हैं, आज आप किसी सड़क को उठा करके ले लीजिए, हमने सड़कों का निर्माण करवाया। आप मैं शिक्षा के माध्यम की अगर मैं बात करूं तो हमने कैरू के अंदर लड़कियों के कॉलेज की स्थापना की, उसके अंदर पिछले साल से क्लासेज शुरू हो चुकी है। जब आप देखिए हरियाणा जब से बना है, इतने बड़े बड़े मंत्री देने का कार्य किया, और नाम मात्र का एक कॉलेज उन्होंने सिर्फ तोसाम क्षेत्र के अंदर एक कॉलेज उन्होंने बनवाया है। यहाँ तो शाम की अगर मैं समस्या की बात करूं तो इन्होंने सिर्फ एक चीज सोच करके कि अगर यहाँ का जो नागरिक है अगर वो शिक्षित हो गया, अगर उसको रोजगार मिल गया, तो आप लोगों से सवाल जवाब करने लग जाएंगे। इसी बात को इन्होंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बेरोजगारी भी रखी और अशिक्षा भी रखी है। तो आपको जो डी ग्रुप की भर्ती लगी, इसमें लग रहा था तो शाम से बच्चे कम भर्ती हुए। देखिए, अब यही आपने जो सवाल किया है इसका मैं एक सुंदर सा जवाब दे। आज इस सरकार से पहले या तो यहां के बच्चे बिल्कुल अशिक्षित थे, या फिर इस सरकार में कोई ना कोई चेंजिंग है, क्योंकि सरकार में चेंजिंग है। माननीय मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो एक सिस्टम बढ़ाया कि किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, जिस बच्चे के अंदर योग्यता होगी उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसी के नाते आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप पूरे हरियाणा के अंदर आप लोग देखिए कि सबसे ज्यादा भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लगे हैं, आज से पहले कभी नहीं लगे, और उस भिवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा तोसाम क्षेत्र के बच्चे लगे हैं। क्या तोसाम क्षेत्र के बच्चे अब ज्यादा पढ़ने लगे? तोसाम क्षेत्र के बच्चे पहले भी पढ़ते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था, पहले सिर्फ और पर्ची से काम चलता था, आज बच्चों की योग्यता से काम चलता। जब हम आज से 4.5 साल पहले, मैं आप लोगों के कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जब हम गाँव के अंदर जाते थे तो शाम के समय जब हम किसी गाँव से निकलते थे तो हमें बच्चे मोबाइलों के ऊपर दिखाई देते थे और बड़ी तकलीफ होती थी कि ये बच्चे करेंगे क्या। लेकिन अब जब हम किसी गांव के अंदर से निकलते हैं तो मैं आप लोगों को एक बड़े गर्व के साथ एक बात कह देता हूँ, या तो बच्चे सड़कों के ऊपर या किसी व्यायामशाला के अंदर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, या दिन के अंदर बच्चे कोचिंग सेंटर। आज रविंद्र बापोड़ा अपने आप को भाजपा के अंदर किस मुकाम पर देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मुकाम की कोई बात ही नहीं होती, हम एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। जो पार्टी, जो संगठन हमारी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी लगाता है, उस जिम्मेवारी को हम अपना 100% प्रयास करके जिम्मेवारी को निभाने। आज रविंद्र बापोड़ा तो साम हाल के अंदर दिन रात एक करके, तो क्या आप टिकट के दावेदार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दावेदार नहीं होता है जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस कार्यकर्ता को कहां से उठा करके क्या जिम्मेवारी दे दी। हमारे पास दायित्व दिया जाता है और वो जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी पिछले समय में जो मेरे पास रहा उसका मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका
किया, और आगे भी जो जिम्मेवारी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेवारी मेरे को जो संगठन देगा उसका मैं मानता हूं। तो क्या आप दोसा मलिक से अपने आप के लिए टिकट की मांग नहीं करते? देखिए मांगे की नहीं जाती हमारी पार्टी के अंदर, पार्टी देखती है, पार्टी को देखना है कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, ये ना किसी एक पर्सनल व्यक्ति का सवाल है। और अगर भाजपा आपको पार्टी टिकट दे देती तो सामान कैसे, तो आप किरण को टक्कर कैसे दे पाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि किरण चौधरी का और मेरा कोई पर्सनल चुनाव नहीं है, ये पार्टी का चुनाव है, लोकतंत्र है, आज लोग जागरूक है, लोग तुषाम विधानसभा में इस परिवारवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस जो वंशवाद की जो राजनीति इस तुषाम क्षेत्र के अंदर है उससे लोग तंग आ चुके हैं, लोग इससे निकलना चाहते हैं, और जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर तुषाम विधानसभा के अंदर आएगा, अजय जी मैं आज आपको 5 महीने पहले आप ये बात हम कर रहे हैं, मैं आपको लिखित में गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत तुषाम विधानसभा के अंदर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर एक कॉमन सी बात, आज सोशल मीडिया फेसबुक माध्यम हर जगह सोशल मीडिया माध्यम कि आम तरह से हुई है कि मोदी को वोट मिलेगी, सर आज जो टिकट जिस पार्टी को आपके पार्टी से किसी बंदे को टिकट मिलेगी तो क्या मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे, इंसान चाहे वोट मिलेंगे? देखिए जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार पड़ी, चाहे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो नीतियां नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, जो युवाओं के लिए, चाहे किसानों की बात करें, चाहे हम बेरोजगार युवाओं की बात करें, चाहे आमजन की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, जो नीतियां बढ़ाई है आज आम लोगों को वो नीतियां पसंद आ रही है। कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरे के ऊपर किसी का कोई नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को कोई भी लेकर के आएगा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान जीतेगा, इसमें यहाँ से कोई नहीं। लेकिन रविंद्र जी पिछले दिनों आपके भिवानी जिले के सांसद धर्मवीर जी का फिर जो ये अपमान हुआ ये किस लिए हुआ, उन्होंने काम नहीं किया या फिर क्या कौन से अपमान की आप बात करना चाहते हैं? दादरी चिड़िया गांव के अंदर चिड़िया गांव की जो आप बात करें वो एक कॉरिडोर जो भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और हमारे मंत्रियों की जो बदौलत बड़ी मेहनत से जो एक पास हुआ है। लेकिन लोगों के अंदर आज जिले के अंदर ठीस भी है कि जो बीजेपी के सांसद हमने चुन के भेजे, विधायक चुन के भेजे, लेकिन वो आज जनता से इकट्ठे हुए हैं लेकिन आज दोबारा से अपना मुख दिखाने आ रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जब मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता एक विधानसभा के पूरी विधानसभा की अगर बात करूं तो मैं 5 से 6 बार मैं विधानसभा के दौरे कर चुका हूं पार्टी के कार्यक्रमों के नाते। तो क्या अब की बार विधानसभा लोकसभा के अंदर युवाओं को मौका मिलेगा? ये तो नेचुरली बात है, अपना भारत देश का युवाओं का देश है, इसके अंदर युवाओं को बिल्कुल तरजीह मिलेगी, इसमें कोई दो राय। तो आप अपने लिए दशाम में कहां अपने आप को देखते हैं? देखिए मैं एक बात आपको कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते लोगों के बीच में पीछे भी रहा हूँ, 4.5 साल की बात हो चाहे उससे पहले की बात हो, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम लोगों के बीच में ही रहते थे और उनकी जो समस्याएं थी उनका निवारण जैसे तैसे हम करते थे, और अब तो सरकार रही है तो सरकार के बीच में रह करके मैंने अपना पूर्ण निर्वहन किया है लोगों की समस्याएं, मैं बल्कि मैंने मंगलवार को फिक्स करा था हम मंगलवार को रेस्ट हाउस में बैठते हैं तो वहाँ पर भी जो समस्याएं आती हैं हम जाकर के अधिकारियों से काम करवाने का प्रयास करते हैं, निगरानी समिति के नाते भी जो हम हमारे जो बीच में अगर किसी की कोई समस्या आती है सीएम मिलों के तहत उसका भी हम निर्वहन करवाने। तो लगता नहीं कि तोसाम के अंदर विपक्ष का विधायक होते हुए आप अपने आप को आज विधायक वाले काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा हर कार्यकर्ता विधायक है, हर कार्यकर्ता मंत्री है, और जिस कार्यकर्ता को ये लगता है कि ये काम मैं करवा सकता हूँ वो काम करवाने का प्रयास करता है, चाहे मैं अगर पीछे हमारे ब्राह्मण समाज की एक डिमांड थी कि यहाँ पर एक परशुराम चौक का निर्माण करवाया जाए, हमने उस चौक का बखूबी निर्माण करवाया, उसके बाद शहीदों की बात आई तो शहीद हमने एक शहीद स्मारक का निर्माण करवाने का कार्य किया, उसके अंदर सांसद दीपीवर जी और हमारे जनरल वी के सिंह जी उसका उद्घाटन करके गए, और भी हमने चाहे पीछे कोई गलियों की बात हो चाहे किसी तरह का विकास कार्य की बात हो, चाहे मैंने हर तरह से चाहे वो सांसद से मिलकर के और चाहे किसी विधायक से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हम एक कार्यकर्ता के नाते हमने जो डिमांड भेजी हमने जो मांग करी वो हमारे माननीय मंत्री की बात हो चाहे मुख्यमंत्री की बात हो चाहे सांसद की बात हो हमने विकास कार्य पूरा करवाने का कार्य। रविंद्र जी आप दो सब हमारे चैनल के लिए और कहें। मैं जेएनसी चैनल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और अजय जी आपको भी बार बार बधाई दूंगा क्योंकि मैंने आपके 3-4 इंटरव्यू देखे हैं पर्सनली, आप और आपके सर्वे भी मैंने देखे हैं, जिस प्रकार से आप जनता के मुद्दे उठाते हो मैं दिल से वास्तव में आपके चैनल से खुश हूँ,
और अपनी तरफ से बार बार हार्दिक बधाई दूंगा। तो जाने वाले समय में आपका चंदन दिन दुगनी तरक्की। हमने बात की रविंदर बापोड़ा से और जाना तो शाम हल्के का दर्द, क्योंकि आज वहाँ पे विपक्ष प्रतिपक्ष नेता किरण चौधरी आज वहाँ पे विधायिका है, और बताया इन्होंने कि अब की बात उन्होंने भी कमर कसी हुई है विधायक के तौर के लिए, दावेदार पूरी पूरी ठोक रहे हैं रविंद्र बापोड़ा। अजय चिन्हों से अजय नायक कैमरामैन विजय।